सब्सक्राइब कीजिए AQ Tech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास विंडोज PC में जो है स्टीम ऐप ओपन नहीं हो रहा है, स्टीम ऐप्स में जो आपने गेम को इंस्टॉल किए थे वो गेम्स जो है ओपन नहीं हो रहा है, तो उसकी प्रॉब्लम जो है कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, आपको जो है सबसे पहले डिवाइस मैनेजर ओपन करना है। यहाँ पर विंडोज के सर्च बार में टाइप कीजिए डिवाइस मैनेजर, उसके बाद आपको इसको क्लिक कर देना है, डिवाइस मैनेजर जो है ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पर डिस्प्ले अडाप्टर का जो ऑप्शन है, यहाँ पर इस एरो पर आपको क्लिक कर इस ऑप्शन को आपको एक्सटेंड कर देना है। फिर आपको यहाँ पर ग्राफिक कार्ड को आपको जो है सेलेक्ट करना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास AMD ग्राफिक है, तो यहाँ पर इसको जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद राइट क्लिक कर अपडेट ड्राइवर के ऊपर क्लिक करना है, फिर सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लोज कर देना है, फिर से आपको जो है राइट क्लिक करना है, उसके बाद अपडेट ड्राइवर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड वाला जो ऑप्शन है ब्राउज माय कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स, आपको इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लेट मी पिक फ्रॉम ए लिस्ट, इस वाले ऑप्शन को जो है आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर आपका ग्राफिक कार्ड शो हो जाएगा, तो आपको जो उसको सेलेक्ट कर यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको जो है सेटिंग को जो है क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको जो है विंडोज़ की सेटिंग में जाना है, विंडोज़ की प्रेस करते हुए आप आई प्रेस कीजिए, शॉर्टकट की से सेटिंग जो है ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर विंडोज़ अपडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पर चेक करना है, अगर आपके पास कोई भी यहाँ पर विंडोज़ का अपडेट जो है पेंडिंग है तो आप जो है उसको कम्प्लीट कर दीजिए, जैसे कि यहाँ पर अपडेट जो है आपके पास यहाँ पर पेंडिंग में नहीं होना चाहिए, आपका PC जो है अप टू डेट होना चाहिए। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर इसको क्लोज कर देना है। फिर आपको जो है यहाँ पर स्टीम ऐप को जो है आपको राइट क्लिक कर यहाँ पर प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कंपेटिबिलिटी मोड जो है आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर रन दिस प्रोग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, तो आपको इस बॉक्स में चेक कर अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप जो है PC को एक बार रिस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, फिर आप जो है स्टीम ऐप जो है ओपन कीजिए, आपके पास जो है एरर नहीं आएगा। तो इस तरीके से जो है आप इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।